हरियाणा में जाट प्रचुर आछे, तो हरियाणा जाटादेर विषय बोले जाटादेर दिमाग कम थाके किन्तु हृष्टपुष्ट पंगा जदि जाटेर संगे नेय तो घर से बंधु निकल के जाता है। बंगाल वो बांगाली बोले इधर सुनगे बुद्धि ते बंगा ना बंगाली तेरे का परिचय आज है पूरा भारत वर्ष में देखिए पर बुद्धिमान दिमाग जाटों के इतिहास के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूं तो आजादी से पहले छोटू राम जिनको सर की का टाइटल दिया गया था क्या वो भी मंदबुद्धि के थे जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं आज और बीजेपी के हर एक नेता से और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं क्या छोटू राम मंदबुद्धि के थे? क्या चौधरी देवीलाल जी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? क्या चौधरी चरण सिंह जी जो जाट थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे क्या वो भी मंदबुद्धि के थे और वो भी पागल थे? कि बीजेपी की सोच क्या है, किस प्रकार की सोच मिनिस्टर हैं हरियाणा के? दुष्यंत चौटाला से पूछ रहा हूं ये कि भाई आप भी तो जाट हैं, आप मंदबुद्धि के हैं, आप पागल हैं? कि अगर आप मंदबुद्धि के नहीं हैं और अगर आप पागल नहीं हैं तो फिर बिप्लव देव का इस्तीफा मांगे और पूरी आम आदमी पार्टी बिप्लव देव का इस्तीफा मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की और अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। तो हम ये बिप्लव देव का त्रिपुरा के जो सीएम है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूं अगर किसी सीएम की अगर ऐसी सोच है तो उनको सीएम होने का कोई अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक बिप्लव देव के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया?